Yes. The co-founder as well as chief marketing and experience officer to please come and give a welcome address. It is indeed a proud moment for Agartala Airport and the people of Tripura as Akasa now. आप सबका एमबीबी एयरपोर्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एमबीबी एयरपोर्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 4 जनवरी को इनॉग्रेट किया था और 15 जन से यहां पर हमने ऑपरेशन शुरू किए थे। यहां पर टोटल एरिया, इस एयरपोर्ट का जो एरिया है 30,000 स्क्वायर मीटर है और यहाँ पर जो पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी पीक आवर पैसेंजर कैपेसिटी है, डोमेस्टिक पैसेंजर्स हम 1000 पैसेंजर्स हैंडल कर सकते हैं और 200 इंटरनेशनल पैसेंजर हैंडल कर सकते हैं। 20 चेक इन काउंटर्स है और ये जो बिल्डिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, चूँकि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो है हमारा जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो 51 स्टैंडर्ड्स हम मेंटेन करते हैं, उसी हिसाब से प्लस नॉर्थ ईस्ट की सबसे बेस्ट बिल्डिंग्स में ये काउंट होती है। इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, सारी सुविधाओं का, पैसेंजर्स के लिए सभी सुविधाओं का इस बिल्डिंग में ध्यान रखा गया है। इस वक्त यहाँ पर जो है एवरेज 20 फ्लाइट ऑपरेट होती है, 20 इनकमिंग 20 आउटगोइंग और इंडिया की सबसे नई एयरलाइंस जो एंट्रेंट है आकाशा एयर, वो यहाँ से बेंगलोर के लिए वाया गुवाहाटी फ्लाइट शुरू करने जा रही है। जैसा कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मैंने देखा है करीब मंथली यहाँ से 5000 पैसेंजर बेंगलोर के लिए ट्रेवल करते हैं, तो पैसेंजर्स को जो है ये कम्पिटिटिव फेयर मिलेगा और दूसरी सुविधाएं भी उनको मिलेगी, प्लस गुवाहाटी के लिए भी एडिशनल कनेक्टिविटी मिलेगी। सर, यहाँ पर वर्तमान में डायरेक्ट फ्लाइट जो है दिल्ली के लिए है, कलकत्ता के लिए है, शिलोंग के लिए है, इम्फाल के लिए है, गुवाहाटी के लिए और आइजोल के लिए है, तो हम निकट भविष्य में उम्मीद करते हैं कि जल्दी दूसरे स्टेशन डेस्टिनेशंस के लिए भी जो है नई फ्लाइट शुरू होंगी बेंगलोर के लिए भी। साथ में मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जल्दी ही एक इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहाँ जो है ऑपरेट होगी, उसके लिए जो रूट अलोकेशन हमारी तरफ से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से था वो अब रूट अलोकेट हो गया है और उसके लिए MOCMA जो है जो ज़रूरी जो है मंजूरियाँ के लिए फाइल गई हुई है। सर, आप आए अक्षय एयर को सभी को मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ जो जिसने हमारा स्टेट का जो कनेक्टिविटी
बोला है डायरेक्टर ऑफ एयरपोर्ट बोला है 18 फ्लाइट्स दैट इज हमको आना जाना के फैस पर। तो अभी स्टेट का जितना सारी हमारा पर्यटन क्षेत्र में जितना सारी भी स्टेट आगे बढ़ रहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का और से अभी नॉर्थ ईस्टर्न का जितना अलग से जो ध्यान दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसके हिसाब से अभी खूब सही टाइम से जो आकाशा यान ने जो अगरतला गुवाहाटी होके बंगलोर जो फ्लाइट चालू होते जा रहा है, तभी सेकेंड फ्लाइट होगा अगरतला टू डायरेक्ट बेंगलोर में एक फ्लाइट जा रहा है इंडिगो का, आपका भी दूसरा फ्लाइट हो रहा है। तो इसके साथ साथ में मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जम्मू साहब को, जामाना दर से अभी जितना भी दूसरा भी स्टेशन में हम लोग कनेक्ट करने के लिए ऑलरेडी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब अभी बोल रहे हैं, तो हमारा भी एक रिक्वेस्ट रहता है जो आपको देखिए अगरतला तो डायरेक्ट जो दिल्ली का फ्लाइट होते हैं तो अभी एक जा रहा है, लेकिन दूसरा भी पैसेंजर्स का कोई प्रेशर है डिमांड भी है, तो आप देखिए दूसरा कोई फ्लाइट अगरतला का अगरतला से दिल्ली तक ये कर सकते तो उच्च इस स्टेट का दूसरा भी दूसरा बहुत आसान होगा अच्छा होगा। तो साथ साथ ये भी बोलना चाहता हूँ, एयरपोर्ट में भी बोल रहे हैं जो कलकत्ता एयरपोर्ट में 2 रनवे है, 1 रनवे का अभी उसका मेंटेनेंस चल रहा है, तो उसके लिए कम से कम करीब 15 डेज जो फ्लाइट किसको 50% फ्लाइट अभी कैंसिल हो गया शायद अगरतला टू कलकत्ता के साथ, तो भी 15 डेज के लिए कुछ प्रॉब्लम तो हमारा स्टेट के लिए हो गई। तो इसी के साथ हम लोग हमारा तरफ से सरकार का ओर से हम लोग ऑलरेडी एविएशन मिनिस्टर को भी लिखा है जो दूसरा कोई कनेक्शन कर सकते हैं क्या गुवाहाटी चौक के लिए, तो फिर भी जाए किसी भी ना आपको हो रहा है तो मैं आज के आपको हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ओर से आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपका भी एयर जो आज चालू कर रहे हैं, तो आगे भी जो देखिए और भी स्टेट के साथ अभी कम से कम करीब डेली 3,700 पैसेंजर्स का आपका अप डाउन हो रहा है अभी तो ऑलमोस्ट 4,000 करीब, तो अभी भी बढ़ेंगे आज से और भी आगे आप लोग और भी सर्विस चालू करें तो उसके लिए होगा। और कुछ दिनों के अंदर हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोलेंगे कि हमारा सरकार के ओर से अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस ये जो फ्लाइट कनेक्टिविटी करने के लिए थोड़ा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, खूब सहस हो जाएगा जल्दी। तो फिर रात के अनुष्ठान में मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और आगे भी ये आशा करता हूँ जो आप लोगों को दूसरा भी सर्विस सब चालू करें, सबके धन्यवाद। गो बैक टू अवर चाइल्डहुड, दिस एयरपोर्ट वाज़ द सिंगापुर एयरपोर्ट, सिंगारविल एयरपोर्ट, स्मॉल एयरपोर्ट यू नो, सो अवर फैमिली मेंबर्स यूज्ड टू गो टू कोलकाता फॉर देयर स्टडी एंड ऑल, वी नेवर हैव थॉट ऑफ दैट वी कैन बोर्ड इन द फ्लाइट इवन दैट टाइम इट वॉज द फ्लाइट वॉज लाइक दिस so takuda like that jump like that, so that time the security arrangement was not like that, even we went inside to see of our family members, my brother, so from that point and today a huge difference, sea change has been occurred, and that has happened because of our honorable prime minister Narendra Modi ji. When he has come to the power in 2014, what I said, there is a sea change in the aviation. So we are thrust for the movement from Agartala to other sites, but because of lack of these facilities of transportation, the people of Tripura were deprived of now different about 4 or 5 this private airlines, they are running their flights. So I am glad that you also have entered this aviation space in Tripura, and really when you came to me and inviting me to come over here to inaugurate today's first flight, truly speaking, I never have heard about your this Akash Air, because my poor ignorance, you may say, or poor knowledge, you said that you have a lot of aircrafts around the world. In India, most probably 8 aircrafts are, now it would be increased also, day by day you are increasing your flights.
really it is very good. And for our students, for our guardian of the students, and for our this peoples who come from outside to visit Agartala, and for business people, for other professionals, of course it would be an added advantage for those, and particularly for us also. We are in profession, you know what kind of profession we have. Every time we don't know, at any moment we have to go outside. So because of this added advantage, of course we will board your aircraft in future along with our colleagues also. So everything has been narrated here by our Honorable Transport and Agriculture Minister. So I will not say more, but I will say one thing, that just for the sake of our this the economical strata of our Tripura people, you must maintain the airfare of your aircraft. Because if you promise it, but I have seen that later on you cannot. So just try to do it, so that the people initially, the passengers, they will come to board your this aircraft, and you can catch or fetch those people, if I am not wrong. So initially you have to do it, but I am sure that you will do your best. And I wish you a grand success in your journey. With these few words, I conclude my speech. Thank you.